अरावली की भिलोड़ा सीट से एक आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। ये जो आम आदमी पार्टी के नेता आगे चल रहे हैं, इनमें क्या ऐसे भी लोग हैं जो अपने आप में कैपेबल कैंडिडेट थे, जिनको अरविंद केजरीवाल ने मौका दिया, पार्टी में शामिल कर लिया और कैंडिडेट का अपना दम भी वहां नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, बोले आम आदमी पार्टी ने ज्यादातर ऐसे लोगों को टारगेट किया जो जीत सकते थे, जिनकी लोकल प्रेजेंस है। और हमने देखा है कि जहाँ पे भी चार पांच जगह जहाँ पे भी आम आदमी पार्टी थोड़ा असर दिखाएगी, वहाँ पे वो कैंडिडेट अपना असर दिखाएंगे। जैसे कि डेढ़ियापाड़ा की जो सीट है, वहाँ पे चैतर वसावा नाम का जो कैंडिडेट है, वो पहले बीटीपी की जीत का सूत्रधार वही था, अब वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गया। अब वहाँ जो जीत होगी वो चैतर वसावा की होगी, आम आदमी पार्टी की जीत नहीं होगी। जहाँ पे भी हम देख रहे हैं वहाँ पे वो कैंडिडेट जो है उनका अपना एक तरह से जो दबदबा है उसका असर दिख रहा है उन इलाकों में। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। बल्कि ये सीट वैसी है कि जहाँ पे जो आम आदमी पार्टी का खुद का लोकल संगठन है, वहाँ पे जो बातचीत मैंने की तो वो भी कैंडिडेट की वजह से जो है उत्साहित है, प्रोत्साहित है, मोटिवेटेड है। आम आदमी पार्टी के बारे में उतनी बातें नहीं करते हैं, कैंडिडेट को लेके ही है जो चीज़ है, ज़्यादा माहौल भी कैंडिडेट्स की वजह से ही। एक ये भी रीज़न है कि आम आदमी पार्टी ने पहले बीटीपी के साथ गठबंधन किया था, फिर बीटीपी के सारे कार्यकर्ता को आम आदमी पार्टी में अंदर जोड़ लिया था और इसीलिए वो लोग आगे बहुत अच्छा काम कर रहे थे। एक चीज आश्चर्य अभी दिख रहा है, इसमें कितना बदलाव होगा। सूरत में कांग्रेस 4 सीटों पे आगे चल रही है, इसमें कितना बदलाव होगा, ये थोड़ा सा आश्चर्य दिख रहा है। सूरत में देखिए, आम आदमी पार्टी अगर डैमेज करेगी तो बीजेपी को ही करेगी। मैं शुरू से हम लोग चले थे ओबीसी वोटर ज्यादा जाए। सीटें मैं नजर रख रहा हूँ, एक ओलपाड़ की सीट है, शायद उस पर कांग्रेस आगे चल रही होगी, और एक सूरत ईस्ट की सीट है, क्योंकि वहाँ आम आदमी पार्टी का एक अच्छा खासा प्रभाव बन चुका था और उसके बाद उसका कैंडिडेट निकल जाता है। हिमाचल में जो संजीव भाई, अब अन्य खत्म हो गए, वहां 2 पार्टियों पर ही फाइट आकर के रुक गई है और बराबर संतुलन बना हुआ। काफी देर से स्वामी जी 34-34 बना हुआ है। हाँ, सवत्वम योग उच्चते, कोई उथल पुथल नहीं, सहज समाधि में हिमाचल ठहरा हुआ। तो मिली जुली सरकार बन जाए ये भी कभी आ सकता है हिंदुस्तान। जिस तरीके से रिसोर्ट पॉलिटिक्स की बात हो रही है, मैं बोलता हूं कि अगर गुजरात में कांग्रेस को सरकार बनानी हो तो मिनिमम 120 से बनानी पड़ेगी, और बीजेपी अगर 95 से भी बनाती है तो 5 साल चलेगी, लेकिन कांग्रेस 95 पे आती है तो सरकार नहीं चलेगी। तो देखिए, टैली में बदलाव हो रहा है, लेकिन हिमाचल की टैली, जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं, उसमें ज्यादा बदलाव नहीं है, लेकिन गुजरात की टैली में बदलाव हो रहा है। कहीं पर कांग्रेस के प्रत्याशी मार्जिन से आगे चल रहे हैं तो कहीं आम आदमी पार्टी भी आगे चल रही है, लेकिन बीजेपी हिमाचल में बदलाव आए तो रजत जी ने जो सलाह दी, यदि मान ले मुफ्त की सलाह और यदि प्रियंका जी को आगे कर दे कांग्रेस, तो कुछ करिश्मा होने की संभावना है और वो भी लगातार लगे रहे। समस्या ये है कि राहुल जी और प्रियंका जी लगातार नहीं करते, ये बीच बीच में जो है ना वो उसमें साइलेंट मोड पे चले जाते, छुट्टी पे चले जाते। स्वामी जी सबको फंसाते हैं, किसी को भी योग करने के लिए कह देते हैं, मुझे 2-3 बार ऐसे फंसा चुके हैं। अब मैं फंसाता हूँ आपको, आप बताइए मुझे ये हिमाचल में 34-34 में आप किसकी सीट बढ़ते देखना चाहते हैं, एक जोड़ दियो किसकी जोड़ेंगे? मैं एकदम सहज समाधि में हूँ, पक्ष विपक्ष से निष्पक्ष होकर के आज रजत जी के बगल में बैठा हूँ। लेकिन सही बात है, हिमाचल की टैली बिल्कुल फिक्स हो गई है, अभी कोई परिवर्तन नहीं है काफी देर से, और ऐसे ही आपको गुजरात में भी दिखाई दे रहा है, 125 के फिगर के आसपास बीजेपी काफी देर से है। अब 1 घंटे की काउंटिंग हो चुकी है, 1 घंटे से ये गिनती चल रही है और आम आदमी पार्टी 6 सीटों पर पहुंच चुकी है। हालांकि निर्णय और बाकी हमारे जो मेहमान है उनका ये मानना है कि इससे कम पर ही वो जाकर मुश्किल है, बहुत मेहनत की है निर्णय जी। ये ठीक है कि पार्टी नई है, लेकिन आपने बहुत मेहनत की है, तो ये सीटें 6, 7, 8 भी हो तो कोई आश्चर्य नहीं। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। देखिए, मैं इस बात के लिए केजरीवाल की तारीफ करूंगा कि गुजरात में नरेंद्र मोदी के गढ़ में जाकर उनको चुनौती देना, वहां पार्टी खड़ा करने की कोशिश करना, और ये जानते हुए कि वहाँ कांग्रेस का संगठन भी मजबूत है, ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर कांग्रेस बिल्कुल बिखर गई है, कांग्रेस नहीं है, तो कोशिश की है और उनका फोकस शायद इस पर है कि वोट परसेंटेज कितना हो। हिमाचल में शू थी गयी, गुजराती में आपने कही है तो 30 और 38 थी गयी, वो रिकॉर्ड बनी। सवाल है स्वामी जी,
અને ગણતરી થતા થતા એ શું થઈ જાય એનો ખબર નહીં. એટલે ગુજરાતી મેં મને થોડા હિસરે બોલા, એક ગુજરાતી પણ નથી જાણતા અમારા અરવિંદભાઈ, તો મારા જેટલી ગુજરાતી જાણે તો ધમાલ કરી નાખે. हिमाचल की टैली हिली और काफी जोरदार तरीके से हिली है. अब 38 पर कांग्रेस हो गई, कितना बरकरार रहेगा वो कह नहीं सकते. 38 पर कांग्रेस है, 30 पर भारतीय जनता पार्टी आगे है. और ये बता रहा है कि यहाँ पर जो ये आगे पीछे का खेल चल रहा है ये लंबा चलने वाला है. अभी हिमाचल प्रदेश के अंदर बिल्कुल टफ फाइट है ज्यादातर सीटों के ऊपर, और बीजेपी 123 पर फिलहाल गुजरात में आपको आगे चलती हुई दिखा रही है. इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर.